आज हमारे पास है सिंक्रोनस मोटर जो कि कूलर में ऑटो स्विंग मोड के लिए यूज होती है। इस मोटर को घुमाने पर यह 220 वाल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो आज हम इसको तोड़कर देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। तो पहले तो मुझे इसे खोलने में बहुत दिक्कत आई, लेकिन मैंने किसी तरह इसको खोल ही लिया। इसे खोलते ही हमें इसके अंदर बहुत से गियर दिखते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। तो मैं जल्दी से इन गियर को खोल लेता हूँ। गियर खोलने के बाद इसके अंदर एक और मेटल सीट होती है जिसको मैं बड़ी ही आसानी के साथ खोल लेता हूँ। मेटल सीट खोलने के बाद इसके अंदर से एक कॉपर वायर की कोयल निकलती है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और इसी के साथ निकलती है एक मैग्नेट जो कि इन सभी गियर को घुमाने का काम करती है।